हाँ बोलिए सर। जो कि लाहौल में ऐसे मकान बने, पहले सेफ्टी देखी जाती है क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो पत्थर की सेफ्टी देख रहे हैं, पत्थर की सेफ्टी से मकान नहीं टूटे। ये आपके चेतन सिंह जी सर आपके मनाली से हैं, जो आपको यहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और ये इनके मित्र हैं। सर आपका नाम बताइए एक बार फिर। कुलदीप सिंह जी सर है, और ये रोहतांग जब जाते हैं तो वहाँ से बस अब आधा किलोमीटर नीचे हम उतर गए लगभग, यहाँ खाना वाना खाया। अब ये सामने चेतन छेल गुंज है, इसके बारे में सर आपको जानकारी दे रहे हैं। हाँ सर बताइए। सर जैसे मकान देख रहे हैं ना सामने, पत्थर के नीचे बनाया हुआ है। पत्थर के नीचे इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फ आती है, तो जो ऐसे ऐसे बगैर सेफ्टी के घर बनाएंगे उसके टूटने का डर रहता है। तो इसमें पत्थर की सेफ्टी इसलिए है कि जो भी भारी कोई बर्फबारी आएगी या कुछ भी होगा तो इसे इस मकान की सेफ्टी। ये सर ने आपको जैसे समझाया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सामने मकान बने हुए हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ के जस्ट नीचे बनाया हुआ है। तो उसको बनाने की रीजन है कि जब सर्दी हो जाएगी तो पूरा बर्फबारी जब गिरती है तो बर्फ़ इन मकान पे नहीं गिरती, पहाड़ से उसको सेफ्टी दे देगी, जिससे मकान सेफ रह जाएंगे, इन पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये हिमाचल सरकार की तरफ से है, HP गवर्नमेंट की बस है। इस बस में हम आए हिमाचल टूरिज्म की में, ये इसकी ड्राइवर सर है, बहुत हमें यात्रा कराई है, हम ऊपर से जाके आ गए बहुत आराम से। आप भी आए तो ये बस स्टैंड के पास इनका टूरिज्म ऑफिस है, आप टिकट बुक कराएं और आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं यात्राओं का। और अब हिमाचल सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, पूरा पास बनाती है, सिस्टम रखती है, तो 1% प्रोबेबिलिटी मिस हैपनिंग हो जाए तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, एक एक बंदे को वो नीचे उतारने की कोशिश करती है, और पहले ही रूट क्लियर होता है तो ही आगे भेजा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।